द्वापर भारत करो द्रौपदी कलयुग मेला दो करवास। कुरुक्षेत्र में हो अरे जे सब जूझे कुरुक्षेत्र में बे सब जैतापुर में जाए। सोनो सुहागा को डाहत है और लोहे को डाहे लुहार। ज्ञानी सुता पिता को डाहे नेहर कर डोले सिंगार। स्वामी की रटत बूंद को कोयल रटत आम की डार। और पतिया रटत पिया की बानी महुबे और गुटैया डार। मेरा महोबा मेरे बाबुल को बोले लो चने ले राय। दुश्मन मर गो सिर साबालो अकेलो रहो उदय सिंह राय। महुबे में हो ए धर है जाए भूत महुबे में दी है कहूं जंग जुर्वाय। और कूद पछेरी पे चढ़ बैठे लई महुबे की सीध लगाए। आए के महुबे में दाखिल भय बंगला बीच पहुंच गए जाए। सरी बंदगी चंदे लेगी ऊंची बैठक गई दरबार। छत्री जा पर बैठे एक से एक बीरो मुराए। और हंस के महिल बोलन लागे राजा सुन ले कान लगाए। बड़ी शुभ घड़ी है महुबे की समय फेर लगन कौन आए। पावन गढ़ के सुबह आए तो महुबे में पहुँचे जाए। भान को शंका जाय काल की नाय। जबरन पेले लड़े अकेले खेले सेल करे ना हाय। अरे मानुस तन की अपन चलाई ना काल को पीठ दिखाई थे। एक समय छूटा हुआ हुई जय है मिले न फेरी गोर रुजगारी। और घर तस्तरिया पान कल सापे नंगी एक धरित तलवारी। अरे कोनो दिल्ली से ले आवे है कोई सूरवीर सरदार। और पान चबाओ तू दे सिंह ने तब माहिल मन करो बिचारी। अरे सोचे माहिल दिल अपने में जियरा धक धक करे अंगार। और जो दल दिल्ली में जाबे कोनो अब सिले करवाई। समझाई दो माहिल ने राजा वीरा लो छिनाए। और करी तैयारी फिर अगहन में दोनों लेन विलम दे क्यारी। अरे तीन मास जा बजी मगर भी एकदम महती खून की धार। और तीन पुत्र पृथ्वी के जूते हैं राजा मन सोचे पारी। और भेष बदल के छोड़ा
दूता हरमल सरदार के और हनी कटारी तीर छोड़ा ने कहता हर मारी तिसेल सवारी और सन्मुख दासी धादू मारी आधी झलक गई बापार और खाई मूरछा ब्रह्मा गिर गए नातन की कछुरई समारी ओला से उठाई ती जगनायक ने सो लश्कर मेरा थी जाई निवारी को मंगवाओ तापे ब्रह्मा दए लिटाए और लगो महीना हर फागुन को घर घर होता मंगलाचारी और कर दिल्ली की समर भूमि में एकदम महती फूल की धार और आठ धवल पिरथी के जूझे हैं राजा मन सोचे पारी इधर तो राठौर पृथ्वीराज चौहान गम के सागर में डूबे हुए हैं। तब तक आकर के चोड़ा ने समर भूमि से आकर के संदेश दिया है चौहान को आकर अरे तोलो चोड़ा दाखिल हो गए झुक राजा को कई जुहार थे मन मलिन तन ही न चुप क्यों दी है तो कारज राम सुधारी समर जीत लो मारी और सुन खुश खबरी विपदा बिसरी संकट में तो हमारो आई और एक हर कारा भागत आवे और महलन में पहुंचो जाए और कहीं खबरियां हैं दंगल की मारे गए चने ले राय और इतनी सुन के रानी अगमा धरनी अगिरी तमारो खाई और सब रण बस इकट्ठा हुई दो हाहाकारी शब्द सुनाई और सुनी खबरियां है तो बेला ने एकदम छोड़ गई थी डकारी और कहा संदेशो लेके आए सो सब हाल देव बदलाए और कहा कहे कच कहत बने ना बिटिया सुनो पिथोरा राय और पूछे चमेले को मारो तो भारी से डरो तो समुहाई और इतनी सुन के परले हो गई बेला गिरी तमारो खाई और ने नमूद मुख बचन बंद भय कचन बदन खबरिया नाही दोस्तों जिस समय बेला धरती पर गिरी है पहरेदार ने आकर के महारानी बेला से आकर के कहा है हल कारण हाल कहोरन को कसिता हर बान दो तन में एक सेल पंजार गयो जिमी दामिन दमती गई घन में युद्ध भयो राठौरन सोच करो मन में आंखों में आंसू भर के बेला ने उस हलकारा से कहा भैया सुने हाल पिया तो बेहाल भई कैसे जूझे सनम सो बता रण में रण में भज पीठ दई अरिको के तो सन्मुख बान सहे तन में तन में का सेल प्रहार भयो ये
मन में सुरजन तो विचार कहे कैसे ये हाय प्राण रहे तन में। ताहर तेरो के बुरा हुई जावे हमको दीनो है दुख अपार। अरे कहा बिगारो तो हम तेरो के मेरो तो है के सुहाग बिगार। मन मलीन तन छीनर विकल है रानी अधिकरे जार बेजार। कांतिहीन भई बिन असुवन के तो बिंदिया बिन हुई गौ है लीलार। अरे कीलन कर गई के दादा कानन की सर की गूंज है नथुनिया प्यार। अरे कर की चूरी है चुर मुर हुई गई तो बिगरी मांग रे मोतियन क्यार। कजरा छुटके के गिरा तो अंग पे चुनरी भाई तीन चोरन हार। झूना सारी है धूमल तो पर गई तो चट के बंदरे कंचु की प्यार। अरे चंद्र ज्योत मुख की भई फीकी क्या ही गई है बदन पे थाय। अरे उलट पछार तो धरन पे था बे तो पेला छोड़ रे दई है दिदकार। अरे जल बिन मीन तो ही न भई डोले मर बिन फनी तो रहो अगुलियार। अरे कोमल गात है उमर की थोरी के विधना दुख जू सहो न जार। सोच सिंधु में नैया डूबी किन पत खून हाय लगे है पार। अरे कुटा हो तो कहता पटवाती के परियो समुद्र न पाटो जाए। अरे कौन कटियरा मेरा जी डारे कैसे दिल में तो धीर बंध जाए। बड़ी अभागिन तो बेला के हुई गई कोई कित जाए नाई दिखाए। मुझे छोड़ी तरपती जलता जिगर करू कैसी न बनता है दिल में सबर। मेरे रो रो के नैना दीवाने भए मेरे रो रो के नैना दीवाने भए। घर के सीना है हमारा और दम है अधर। किसे रंजो यलम का सुनाऊं जिकर जान धर के निठुरता सिधारे किधर। और सुरजन कहे किनसे दिल का जिकर राठौर अब तो कहे किनसे दिल का जिकर। मेरे सर को उड़ा दे लेते गे उधर। जिस समय ये युद्ध का संदेश बेला के कानों में गूंजा है
आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अपनी प्रिय सखी को बुला करके बेला ने उसके गले में बहियां डाल दी, रो करके कहने लगी, ओरी गुइया, आज आंख दाहिनी मेरी फड़के आली कुछ फड़के को मिला, और महल हमारे कागा बोलत ऊपर गीदर हित मंडराई, अरे ऊपर मुख कर स्वान रो रे दक्षिण दिशा सबई चिल्लाए, और सगुनन झूठे होए सहेली रह रहे अधिक प्राण घबराए, अरे रानी बोले तब तहर की ननदी धीर धरत मन माए, और अधिक वियोग शोक ना करिए तहर दे ले वो बजुरता धारी, जनियो अपने मन में ब्याहे गई थी महोद मिना, और अभे कुआरी होने हर में ऐसे जी को ले समझाई, जिस समय अपनी भाभी के मुखार बिंद से बेला ने शब्द सुने तो आंखों में आंसू भर के बेला बोली, भाभी अरे तनिये सुन के बेला जर गई नैना काल रूप हो जाए थे, और चुप रहो भौजी मत ऐसी कहो घाव में दीनो को नमक लगाई, अरे सुता तुम्हारी तिर बैनी है ताय तुरकन घर दियो पठाई, और जैसी निपूती अमल ना हुई गई तैसी होई अगम दे माई, और साथ मेरी जो भो जाई कहे राम राण हो जाए, एक तुम ना जनियो बेला राण भई दिल्ली सबई राण हो जाए, और नगर महोबो और दिल्ली लोके बाजे एक धार तलवारी, और लाखन रुंड गिरे धरती पे नदिया बहे रक्त की धार, और मुंडन के मुड़ चौरा लगे हैं और लाशन के लगे पहाड़ी, और ढूंढे सुहागिल मिलिए नहीं के बेला कहन लगी रे ललकारी, और कागज से आरन को सुत हुए रन में पिए रुधिर की धार, और ले ले खप्पर फिरे जोगिनी गल बिच डारे मुंड के हारी, कोनी को लगन कोई, और तुमने अपने मन की कर लई करे हम सुहाबे जोई, कभी आदि आई गई है द्वापुर की समय निकट पहुंच गयो आए, और खप्पर खाली है भर बे पोका बिन से दे भराए, और कहिए गौरपति की द्वापुर में मोए दहलिए को दो पठाई, और तो से हमारो जामे नहीं जो भेदना ले लिखी लार, और बांधी जा
दिया वो रंग महल से फाटिक बंद देव करवाई। दोस्तों जिस समय रंग महल से सभी लोग स्त्रियां या पुरुष सभी जब बाहर निकल जाते हैं उस समय बेला भवानी महोदय के लिए एक विशेष संदेश लिखती है। अरे बांधी जाबो दरवाजे लो फाटक बंद देव करवाए, कागज कलम दान ले आबो हमको अपना कछु सुहाए। मैं लिख के याद गड़े गौरी पति और सिंधु सुता पर तुम पति राखो सदा दिनेश, आनंद भवनी और मंगलकारी सब तुख हरो जगत पतीस। अरे विपत सहायक ना बतनायक तुम सब लायक दिवर हमार, चिरंजीव भव सो सब पसारी तीरत रही दसो दिशाए। अरे तुम कुल दीपक वीर बापुड़े कुल की लाज राखियो याई, और सूर वीर रण धीर बहादुर तुम पर मोह गई तलवारी। और सुर सर पावन पापन सावन जलो बह गंगा में धार, और उगे दिने सजलो नभ मंडल तब लग तीरत रहे तुम्हारी। अरे पत्रक पढ़ के आवा चढ़ के लड़के गोनो ले करवाए, और बलम जूझ गए रणखे तन में देवर ले जाओ लोथी उठाई। और तुमको लाजिम जाना ही ती अकले पिया दए पठवाए, और कठिन लड़ाई चौहानन की घटिया बंस पिथौरा राय, और छल कर मारो है बालम को छोड़ा दो तो सिलयर राई। अरे छोड़ा धांधू और ताहर ने मिल तीनों ने दए गिराए, और स्वासा बाकी है नथुवन में सुन्यत अधिक जिगर में घाय, और यकले पिया भमर में फंस गए संगी कोई नए परो दिखाई। और कौन जन्म को दावाली नो मेरे डारे कंठ मराए, और पीर बहादुर रण के दूला सो घर बैठे मुख छिपाए, और बड़े मारिया सुन परियत ते अतिबल मंडली के भाई, और कारज पूटी गहने धर लई कह कऊ बेच लई तलवारी। और के तो बेंदुला बूढ़ा पर दो के दादा को रहे डराए, क्या करते हैं सब दुनिया में गोनो ले दुआओ संसारी। अरे बामन गर को नहर हुई गए गर दिल्ली को भय सियार, लानत ऐसी जिंदगानी कहते गा बामन को धिरकार, प्राण बचाए के तुम घर बैठे पड़ गई धवल पना पेछार। अरे आंगन सूखा रे पीसनो जैसे बन सूखे कचनार, गोरी सूखत ने हरवा में जैसे पोत पुरुष की नार, असल बिंद से पैदा हो वो तो मेरे पिया मिला वो यार। Oh, 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 oh
सुनियत सासुल ने तुम्हें पालो अपने कुछ को दूध पिवाए पुत्र जान उन सेवा कीनी बालम लखे सहोदर भाए रन के धन के मालिक कर गए अगुआ कार बना फर्राए और केवल ही न थकित भय उदले अवरण कर बे से दहलाए अरे ब्राह्मण जाए वेद पढ़न को बनिया कर बे को व्यापार और सूत्र बनाए हैं सेवा को छत्री कर बे को तलवार और उदल मलके के भुजबल से तुमने जीते देश विदेश और जो रजपूती राखे होगो तब तो हमें दिखाइयो आए और न्यारे मंदिर में बेला है पहरा बिकट गए लगवाई का भारी है जियरा में धावा करे उदय सिंह राही और कोश कोशर दुई दुई कोश पे दादा फौज दैया टिकुमार और फौजे भरती अब हम करे नौकर होई उदय सिंह राही मेरे नौजवान साथियों जिस समय महारानी बेला ने ये पत्र लिख करके महोबे में आला उदल को संबोधित किया है उधर जागन ने पत्र लिखकर महाराज परमाल को अवगत कराया है कि ब्रह्मा घायल हैं दिल्ली में इधर यह खबर जब परमाल को मिली है आला उदल को दसपुरबा से बुला करके अरे असुआ टपके पुत रूप के मन लर गिरे मोतियन क्यार लाखन राना है अमर दाना दाना दार कनऊ जीरा लो फुआरा कर अपने से खसर मुस्कदा छिड़काए मल खान तीजो दुख अपार अगम जू ब्रह्मा जू जो भरत जवान अरे ब्रदय अवस्था में दुख भारी कहु मत भीजे भगवान और पिता के आगे जो सुत जूझे ताको थूके सकल जहान पुत्र मरण और बंधु बिछोआ जासे अधिक दुख ना खोए सी सब करके हिलकी भर के एकदम दौ तो भूप ने रोए अरे सोत सिंधु महुबे में फैलो गम की बहती कदम धार और रैयत रोबे चन्ने लेखी के किसी डूब गई रे मझधारी और आल्हा बोले के बात समय पे दादा सुन ले कान लगाए थे अरे मरे के संग मरो ना कोई के दादा ज्ञान दो तो बिसराई Oh!
अंदर कीनो दिनो तो पंडन दल बिचलाए गए दस दस सैसर मीर हनि मारे के दस दिन कीनो के युद्ध अघाई और ऐसो समर विकट रण कीनो दिनो पंडन दल बिचलाए गए और लाई शिखंडी आगे कर दो तब अर्जुन ने दो तो गिराई अरे दुर्योधन को यदि तुम प्यारे कैल दीने प्राण गमाए और ससत जूझे गंधारी के पंड पुत्र ने दए गिराए सजे न महकारी ने ना पित मरे करल को खाए राजा सदर मरे देना उन दिन लई थी धीरता धार 60,000 पुत्र एक ही संग कर दे कपिल मुनि ने छार चाकर को हुक्म सुनाए गए लाखन कही तीरो समय भर के दिल्ली में दी है तो आग लगाई अरे तच के सैयद बोलन लागे काए पुराखी देर लगाए थे और बदलो ले लो चल ब्रह्मा को तब छाती को डाह बुझाई शरण जी जा कैसी भई के किस्ती कौन लगाई है पहाड़ी ओ अभिलाख आसमल ना की दे ब्रह्मा को मुख दिखाए थे और मैया रोगत हर महलन में छाती धड़क धड़क रह जाई जाते जाते गढ़ दिल्ली में तो हम पृथ्वी को ले बंधवाई उधर क्या बोला है रामशरण उस समय अरे सूर बही जो मले रण में खटिया पर प्राण गमावे नहीं अरे काल लड़े तो अरे समूह है अरे को भज पीठ दिखावे नहीं रण तीरथ यज्ञ समान यही स्वर्ग जाने की दूजी न सैनी नहीं अब सुरजन स्वर्ग में वास करे यमराज के धाम को जावे नहीं अरे पूतल उठ गए तो राज तो सभा से पहुंचे रंगरे महल में क्या आपत देखो तो मैया मलहनाने के उदल को छाती से लोहे लगाई सोने की लंका के जारे उजर भाई किस्ती डूबे आए गई मझधार अरे गोद हमारी तो लला सुनी भाई के बिधलानी दुख दे दो है अपार अरे मूढ़ तो मारे
सोलह तारीख की तो दातन से पहुंचा है रही है सवाल। रानी के समझावती है सासुल धीर रे धरो मन माय, कौशल्या ने के प्राण न छोड़े बे बन को राम हाय दे पठवार। अरे मेघनाथ से पुत्र जूझ गए है मंदोदर माँ, और सुताभिमन्यु रे किला में जूझो के मैया मरी तीनाए बिसखार। अरे मोरा ध्वजने के सुत अपने पे सर पे आरा के दो तो चला, कुमर और धुरब भरथरी बारी देश के जोग लौधार। अरे रंजित जूझे ते जब सागर पे तब न मरी ती मलहंदे मार, बड़े बड़े वीर है धरन पे उपजे सब जाई में के गए ते समाय। सूरत तट है तलवारन से के गोलन से हाय मारे जान, अरे सुनवा रानी के उदल से बोली देवर बिलम हाय करे तन जाय। धनी तुम्हारो जो मारो गौ के तेवर फौज है ले सजवार। अरे उदल बोले ते बात समय पे भावज पैया है परे तुम्हार, एक देर डोला के ऊपर के बजे है तो घूमे रे घूमे तलवार। ले दल सिंधु के झुके जब पिरथी अर्थी रच है के नरेशन क्यार, कौन की छाती के है तो बज्र की झेले बानरे पिथौरा प्यार। जिस समय उदल के शब्द सुने हैं तो उदल की देवी फुलवा ने जवाब दिया सैया, अरे सूरती नार सिंगार रखे न तो फूटे चुरी जन कौन धरी, अरे बेंदी न भाल दई हमने कर से नए मोसिन मांग भरी। अरे फूलन सेज समारी नहीं संग सोवन की न आस करी, राम सरल की नारी निसंक रहे और खेच के ज्ञान से तेग धरी। और पानी सुन के कनार खुल बाकी तड़पो दे बरे कुमर को लाल, पहलो हेर तो रहे लड़बे को के जाने कबे है बजे तलवार।
मान मेरी तैयारी कहे तो चल बेगी के जी तो बार रे बार घबराए तब ही ताला के ढेबा से बोले पीरल सगुन है दे मतला अरे ढेबा बोलो तो बा समय पे के सैयद सुन ले अर्ज हमारी अरे भेष बदल गड़े दिली चलियो न पहचाने के पिथोरा राय और जाना मानी के जो हुई जय है के बेला फिर मिलवे की ना मेरे नौजवान साथियों जिस समय महोबे के सभी जवान फौजों को लेकर के दिल्ली में पहुंचे हैं घायल ब्रह्मा से बातचीत करने के बाद में अपने भेष को छुपाकर खान रूप धारण करके जिस समय बेला के फाटक पर लाखन उदल सैयद और ढेबा पहुंचे हैं समय अर्धरात्र का है। अरे रानी बेला के फाटक पर उदल चौपड़ दई पसार पहलो पासो लाखन फेंको लेके नाम विलम दे क्यार सत्यपति व्रत बेला होबो तो जे पासो परे हमार अरे भीतर मंदिर के बेला थी हो अरे भीतर मंदिर के बेला थी बाके कान परी झनकार और बेला बोली है बांदी से गोरी धन सुन ले अर्ज हमार कौन सिपाही को पहरा है के सोले बे नाम हमार चल गई दरवाजे पे और उदल से कही सुनाए और बेटी बेला गुस्सा हो गए क्यों तो ही नहीं करता हमारे तब उदल बोले हैं बांदी से बिटिया सुन ले अर्ज हमार आए उदय सिंह राय तब बांदी भाजी दरवाजे से और बेला से कही सुनाए जिनको बिटिया तुम रटती थी सोई आए उदय सिंह राय सुन के बेला जर गई हो अरे इतनी सुन के बेला जर गई और बांदी से कही सुनाए अरे कोस कोस और दुई दुई कोस पे दादा फौज दई टिकवाई के गम चिड़ैया की नाई है कैसे उदल पहुंचे आए अरे
बादल से पूछो जाए, जा दिन ब्याहन दिल्ली आए तो सब हाल दे बदलाए। राम शरण जी, जिस समय बांदी ने जाकर उदल से पूछा है कि बेला ये पूछ रही है कि हमारी शादी का हाल तुम बताओ तो मैं विश्वास करूं कि तुम उदल हो, तो उदल बोले बांदी, अरे तनी सुन के उदल बोले, बांदी सुन ले अरज हमारे पे, बैठो बांदी हाल सुनावे तो उदल चिट्ठी लिखी बनाई। सिद्ध श्री सरनामा लिख के और पेला को राम जुहार, अरे चढ़ी बराइत दी महुबे से, ब्याहन चले चने ले राय, कलश उतारे थे लगी से, द्वारो तुरंत लो करवाए, अस्सी मन लोहे को खंबा, सोरा जाने दो गढ़वाए। खम्बा में हो अरे सेल फोड़ दे जो खम्बा में, सोई ब्याह ले करवाए, अरे सेल फोड़ दो मंडली कने, सो तो निकल गो बाबा, फिर हन मारो मल के वीरा, तीरा झलक गो बापार, रिस कर खम्बा उखारो हमने, सो खेतन में दो फटकार। नाइन भज गई तो ब्रह्मा ले भाजत मलखान, अरे जो जो बीती तीर मर है पे, सो चिट्ठी में लिखी बनाए के, माटी पाती है तो बेला ने दिल जब धड़क धड़क रह जाए। बाचन लागी तब बेला ने कहीं सुनाए, और आए लड़का देवे वाले बांदी संगला उलिबाए, और या बत देखो है रे उदल को झंझर न पर्दा दो डरवाई। और ब्याहन आए थे दिल्ली में कोमल घातो दे सिंगराई, और भारी देशो है तो जियरा में स्याही गई थी बदन बैठाए थे, और भेष उतारो तो अयारी को तब पहचानो ध्यान लगाई। कैसे रिश्ता में लागत हो दल साफ दे बतलाई, तब धर्म की माता बेला लागो जेठे बंधु सने ले राय, और कुर्सी डारी दई बेला ने ताबे बैठे उदय सिंह राय, और कहो खबरिया तुम लस करती सुनियत घाई लपिया हमारी। अरे घर बिन पुत्र पुत्र बिन बिरछा बिन सस निशा लगे अंधिया, और कंचन की काया चौ हो गए मड़ मुक्तन के बने मकान।
संग मिया उदल हमें देव बदला तब उदल बोलत है तो बेला से भावज फंजा पर तुम्हारी और मीरा सैयद बनरस वाले लाखन सूरत नाव नीरा बैठक डाल दई थी दोनों को तब बेल्हा ने कई सुनाई समय अब लाख कन्नौज के नरेश लाखन को देखा है तो बेला कहने लगी लाखन सत्य समारो है तो देही को फिर भगवती रूप हुई जाए और याद आई गई है द्वापुर की तब सैयद से कहीं सुनाए और किवर हमारे तुम लागत हो सोई लगत कन्नौज राही सैयद ठाड़े हुई गए तब बेलहाते कई भी सुनाई थी और कैसो रिश्ता है देवर को बेला हमें देव बतला तब हंस के बेला बोलन लगी सैयद सुन ले अरज हमार के और जो स्वयंवर द्रुपद राजन है मीना अधफर दई ती टंगाई याद रखना राम सर ये बात द्वापर की है और मारी मीना तीपत मेरे और धरती पे दैत गिराए थे ब्याहे स्वयंवर घर को लाए और मोय रानी लो बनाई और तासे देवर मेरे लागो सैयद भीम सैनी अवतार और लाखन बेटा रति भान को नकुला पंडा के अवतारी अरे लाखन लौट जाओ कन बज को कोमल गा तक नौजी राय और गाजे छूटे मैदानन में तब भज जाइयो प्राण बचाई जब प्रथी अर्थी रचे नरेशन क्या और कपे धरन सिंहासन हाल है दिग्गज डोली डोली रह जाई बेला बोली है लाखन से लाखन अरे बेला नार कहे हसी के तुम लाखन वीर भय कब से चौहानन मान गुमान हरे गढ़कन बज लूट लई कर से संयोग सुता जय चंद लली पृथ्वी राज ने काढ़ लई घर से बनवारी कहे तुम सूर नहीं तेरी लाग बहन सोलई रण से तासे लाखन के समझा बक है तो पका लौट है कनौजे जाओ धुरो तुम्हारो के ना तो अटको है के खामी दी हो तो प्राण गमार और इतनिया सुन के लाखन तो जर गए नैना काल रे रूप हुई जान चुप रहो बेला के मत ऐसी कहू के नहीं सब जय है जे काम नसार और बिटिया जन्मी की ना तो कन बज में ना जे चंद्रे बिहाई जाए चेरी की चेरी को लेके बे भाजे के घर में रानी है लई ती बना
कान कुमर कोके सो फाटक पे के दो तो दरबार आप हमें लहू के कतरे लेकर लाखन बोले बेला ब्रह्मा दिक पाल शेष चढ़े संग आई लड़े शिव पार्वती हनुमान से वीर हंकार लड़े जय राम लखन सीता सी सती पृथ्वीराज से सूर अनेक लड़े कर साधी सरासन देख गदी राठौर कहे छह काल लड़े तो शंकन मानी एक रती